जय सियाराम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे, क्योंकि वंदना करने से ही हनुमान जी कथा में उपस्थित हो जाते हैं, और जिस कथा में हनुमान जी उपस्थित हो जाएं उस कथा को सफल समझिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधु गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सियाराम। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराज वीर राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दास मध्य भवतः शरणागतो अस्मि। सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय 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 सिया राम। जय सिया राम। भरतुगन लक्ष्मण जी की जय हो, तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, गणेश जी की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। जय सिया राम। तो अभी तक कथा कहाँ तक हो रही है? आज सेकंड लास्ट डे है कथा का। कल को प्रभु की इच्छा से यह कथा संपूर्ण हो जाएगी। तो अभी तक मतलब जो कल हुआ था वो क्या हुआ था? शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता अब आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। शिव शंकर बता रहे हैं पार्वती माता को कि श्री राम की कथा भवबंधन से छुटकारा दिलाने वाली है, परंतु इसके अधिकारी सभी नहीं होते। जो मूर्ख हैं, धूर्त हैं, जो हठी हैं, जो ब्राह्मणों के द्रोही हैं, जिनका श्री राम के चरणों में प्रेम नहीं है, उन लोगों के लिए यह कथा नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा महान पुरुष हो, महान कैसे? मटेरियल के हिसाब से, जैसे भौतिकता के हिसाब से किसी के पास बहुत सारा धन है पर वह ब्राह्मण का द्रोही है, तब भी उसे यह कथा नहीं सुनानी चाहिए। इस कथा के अधिकारी सिर्फ वही हैं जो ब्राह्मणों के सेवक हैं, जो श्री राम की भक्ति करते हैं, श्री राम के चरणों में लगे रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वही इस कथा के अधिकारी हैं। इसके अलावा जिसको कोई ज्ञान ज्यादा नहीं है पर वो भक्ति का इच्छुक है, भक्ति करता है, तब भी वह भी इस कथा के काबिल है, इस कथा का अधिकारी है। और जो इस कथा का एक बार अधिकारी बन जाता है वो भवबंधन से छूट जाता है। तो शिवजी ऐसा कह रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं और वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं, अर्थात उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और वो लोग जो कथा कहते भी हैं और सुनते भी हैं, वो क्या करते हैं कि जो इतना बड़ा भवसागर है वो एक छोटे से गड्ढे के समान उसको पार कर लेते हैं। फिर याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं अंत में, कहते हैं कि यह सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत अच्छा लगा, उनको ये सब बातें प्रिय लगी, और वे सुंदरवाणी बोली कि मेरा स्वामी की कृपा से, श्री राम की कृपा से, शिव जी की कृपा से सारा संदेह जाता रहा, और मैं श्री राम के चरणों में मेरी भक्ति फिर से नवीन हो गई। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। मैं कृत कृत्य भयूं अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। अब पार्वती माता बोल रही हैं, हे विश्वनाथ, शिव जी को बोल रही हैं, विश्व के नाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश नष्ट हो गए। जय सिया राम। पार्वती माता खुद ये बात बोल रही हैं अब कि मेरी भक्ति फिर से नवीन हो गई, मेरे हृदय के सारे क्लेश मिट गए, श्री राम के प्रति जो मेरा संदेह था कि वो भगवान है या साधारण मनुष्य है, अब वो संदेह भी जाता रहा। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। शंभु और उमा का यानी कि शिव पार्वती का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। ये संवाद क्या है? पूरी की पूरी श्री राम की कथा, पूरी श्री रामचरितमानस, पूरी श्री रामायण, जो श्री राम के बारे में जो भी इन्होंने बातचीत की है उसको कह रहे हैं कि कल्याणकारी है और शोक का नाश करने वाली है, अर्थात हमें
श्री रामचरितमानस सुनते रहना चाहिए। अगर हम बोल सकें तो बोलनी चाहिए, अगर हम कुछ ना कर सकें तो आपस में बैठकर डिस्कशन करनी चाहिए, श्री राम के बारे में चर्चाएं कीजिए। तो ऐसा शिव जी कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि शोक का नाश करने वाली है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। क्या है प्रिय? यह कल्याणकारी संवाद। इस संवाद को क्या नाम दिया गया है? श्री राम कथा। जय सिया राम। राम उपासक जय जगमाही, एही सम प्रिय तिन के कछु नाही, रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। अब यहाँ पर बात आती है कि शिवजी और पार्वती जी ने एक संवाद किया था और वो संवाद इतनी बड़ी श्री राम कथा बन गई। और हम लोग जो संवाद करते हैं वो क्या करते हैं, हमें तो खुद भी पता नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। छोटी मोटी बातें, किसी का झगड़ा हुआ था उसके बारे में बात करने लग गए, कोई वहां पर मिला था मुझे उसके बारे में बात करने लग गए। ये हमारा कोई संवाद थोड़ी ना है, ये तो हमारे टाइम वेस्टेज है। पर जो शिवजी और पार्वती माता ने बातचीत की उसका परिणाम इतनी सुंदर कथा, श्री राम की कथा है, भवबंधन से छूटने वाली कथा, उनके संवाद में भी इतनी बड़ी बात है, तो हम तो उनके सामने क्या ही है, हम तो उनके भक्त बन जाए, उनके सेवक बन जाए काफी है। तो हमें सिंपल सी बात यह है कि शिव जी कह रहे हैं कि श्री राम कथा को श्रवण कीजिए, गाइए, बोलिए, एक दूसरे से सुनिए, चर्चाएं कीजिए। जय सिया राम। जगत में जितने भी राम के उपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान और कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। एही काली काल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं इस कली काल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़बाना, गावही कभी श्रुति संत पुराना, ताही भजही मन तजी कुटलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान बाना है, प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि, वेद, संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। शिव जी ऐसे कह रहे हैं कि जिसने भी श्री राम का नाम लिया है उसने हमेशा सदगति पाई है, ऐसा कौन है जिसको यह चीज नहीं मिली, जो भव बंधन से छुटकारा जिसने नहीं पाया, जिसको ये ऐसी गति, कौन सी गति, परम गति जिसको नहीं मिली श्री राम का भजन करने के बाद, ऐसा कौन है? शिव जी ऐसा पूछ रहे हैं, अर्थात ऐसा कोई नहीं है। पाई न केही गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना, गनिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना, आभीर जमन किरात खस, स्वपच आदि अति अघरूप जे, कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते। जय सियाराम। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, ये अलग अलग लोगों के नाम बता रहे हैं जिन्होंने परम गति पाई है। गणिका, अजामिल, व्याध, गिद्ध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया, अर्थात ये लोग दुष्ट होते थे, ये हमेशा बुरा व्यवहार करते थे दूसरों के साथ, पाप कर्म करते थे। ये कथाएं भागवत में आती हैं, अजामिल के बारे में भी, गजराज के बारे में भी। ये मतलब सभी दुष्ट तो नहीं थे, कोई ना कोई शाप की वजह से ऐसे बन गए थे, पर इनको भगवान ने तार दिया था जब ये भगवान की शरण में आए। तो अभीर, यवन, किरात, खस, श्वपच, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय सिया राम। शिव शंकर भोलेनाथ श्री राम को नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं कि जिन प्रभु ने इतने दुष्ट पापियों को भी तार दिया तो क्या वो हम जैसे मनुष्यों को नहीं तारेंगे। शिव जी ऐसा बोल रहे हैं, मतलब शिव जी तो भगवान है, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम जैसे मनुष्यों को क्या भगवान तारेंगे, नहीं। तो शिव जी ने उनको नमस्कार किया श्री राम को कि ये इतने महान है भगवान, तो हमें भी भगवान तारेंगे, हमें भी उनके सिर्फ क्या करना है, हमें करना ही क्या है, श्री राम के गुण समूहों का वर्णन करना है, उनका गुणगान करना है, उनका नाम लेना है, फिर देखिए रिजल्ट। जय सिया राम। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुन ही जे गावहीं,
कली मल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सीधा वही सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरई दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवीर हरई। जय श्री राम। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलियुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। जय श्री राम। कौन सा धाम है श्री राम का? साकेत धाम। इसको ध्यान रखना, श्री राम का धाम साकेत धाम है, श्री कृष्ण का धाम गोकुल धाम, वृंदावन धाम। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हर लेते हैं। कह रहे हैं कि पूरी की पूरी रामायण चलो किसी को याद नहीं होती, अगर कोई 5 चौपाइयां भी इंसान गाने लगे, बोलने लगे, स्मरण करने लगे तो उसके बहुत सारे विकारों को, उसके बहुत सारे पापों को श्री राम जी हर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। जय सियाराम। तो शिव जी क्या कह रहे हैं कि मान लो हमें पूरी पूरी रामायण कथा याद नहीं है, श्री रामचरितमानस हमें याद नहीं है, श्री राम कथा हम भूल जाते हैं बार बार, अगर कोई 5-7 चौपाइयां भी ध्यान से पढ़ ले, सुन ले, गा ले, ठीक है, और उनको अपने हृदय में धारण कर ले और श्री राम जी के प्रति भक्त बन जाए, उनका दास बन जाए, तो श्री राम जी उसके सारे पाप नष्ट कर देते हैं, श्री राम जी उसको अपनी शरण देते हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी कि हम इस भव बंधन से छूट जाएं, बार बार यहाँ आना ना पड़े और भगवान के धाम चले जाएं। और करना क्या है, शिव जी ने क्या बताया, सिर्फ छोटा सा ही तो कार्य करना है, श्री राम जी का दास बनना है, श्री राम जी के बारे में लोगों के सामने बोलना है, जो ऊंचे भक्त हैं उनसे सुनना है, उनका गुणगान करना है, श्री राम का नाम लेना है, यही तो करना है। इसमें क्या टाइम लगता है, कोई टाइम लगता है? आप कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता, काम धंधा करना है, बच्चों को पालना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ये कोई बहाने थोड़ी होते हैं। ठीक है, ये काम सबको करने होते हैं, मैं भी आप में से एक ही हूँ, पर ये कथा कर पा रहे हैं ना। अगर हमने निश्चय किया कि हमें कथा करनी है श्री राम की तो हम कथा कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? हम एक जैसे ही हैं तो आप भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई समय नहीं चाहिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करते रहिए, पर उसमें श्री नाम का नाम जोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, भंडारे में जाते हैं, प्रसाद पाते हैं, क्या बोलते हैं, रोटी राम, सब्जी राम, ऐसे बोलते हैं ना, तो भगवान का नाम उसमें आ गया। इसी तरह कोई भी आप कार्य कीजिए, कोई और आप तरीका बना लीजिए जिसमें भगवान का नाम जुड़ जाए, तो इतना सा ही कार्य करना है और आप देखिए रिजल्ट, भव बंधन से छूट जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कथा का श्रवण करते रहिए, कथा गाइए, कथा सुनिए, सबको सुनाइए। इसी के साथ आज के लिए विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सियाराम। कल को ये कथा संपूर्ण हो जाएगी, आशा करते हैं आप सभी इसमें सम्मिलित होंगे। और ऐसा माना जाता है अगर किसी ने पूरी कथा नहीं सुनी लेकिन अंत के कुछ दिनों में सुन ली जाए तो उसे पूर्ण कथा का फल मिल जाता है, क्योंकि अंत में उसका कंक्लूजन आ जाता है पूरी कथा का। तो आशा करते हैं कल वाली कथा में, मंगलवार की कथा में सभी विराजमान हो और भगवान का आशीर्वाद लें और पूरी कथा का फल प्राप्त करें। जय सियाराम।